क्या शिवपाल यादव ने मिशन तोड़फोड़ कर दिया है शुरू, मिलने लगे संकेत, बीजेपी में बड़ी टेंशन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आने लगे हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सपा के लिए मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। इसका संकेत सपा नेता ने बीते दिनों में कई बार दिया है। शिवपाल यादव ने अपने हालिया बयान में कहा कि अफजल अंसारी के लिए भी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। ये बात सपा नेता ने बलिया में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि दोनों मुस्लिम भाइयों पर बहुत ज्यादती हुई है। मुसलमान भाइयों पर जो ज्यादती हुई है, चाहे आजम हो, इरफान सोलंकी हो या फिर अफजल जैसे लोग हों, अफजल तो हमारी पार्टी में कभी रहे नहीं, वो हमेशा बीजेपी का जहां सपोर्ट रहा उसी में रहे। तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तो सरकार बनाते रहे। अंसारी परिवार के लिए खुले दरवाजे। शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि क्या अफजल अंसारी के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल खुले हैं। इससे पहले अपर्णा यादव के सपा में शामिल होने पर कहा कि चाचा शिवपाल ने कहा था वे परिवार की बहू हैं और परिवार के सुख दुख में हमेशा शरीक होती हैं। जबकि वरुण गांधी के सपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। ऐसे में बीजेपी के विरोधियों और पार्टी में नाराज चल रहे नेताओं के लिए शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर सपा के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर जुबानी हमले कर वरुण गांधी को अपने बयान के जरिए संदेश दिया। इसके अलावा अपर्णा यादव को भी परिवार में वापस आने का संदेश दिया है। शिवपाल यादव ने इन बयानों से बीते दिनों में बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ा दी है।